तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार बात ईडी के समन पर हो रही सियासत की हम कर रहे हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ हरजीत सिंह ग्रेवाल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अश्विनी सेखड़ी जी हमारे साथ थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे। ग्रेवाल साहब, एक बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जो ईडी की तरफ से समन जारी किया गया कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणेंद्र सिंह को, हालांकि वो पहुंचे नहीं पूछताछ के लिए, लेकिन लगातार ये आरोप वो लगा रहे हैं कि अरुण जेटली चूंकि अमृतसर में उनसे चुनाव हार गए थे, वो बदले की भावना से ये तमाम कार्रवाई की जा रही है। हाँ जी, मेरे को सवाल किया, आपकी आवाज नहीं ठीक जी। ग्रेवाल साहब, सवाल आप ही से है कि कैप्टन साहब के आरोप लगातार कि ईडी की जो कार्रवाई है वो बदले की भावना से है। ऐसा नहीं है, ईडी बदले की भावना से कैसे कार्रवाई करेगा? अगर आप उसमें कोई ना कोई दोष पाया जाएगा तभी तो इनको सम्मन हुए हैं, उसके बिना नहीं हुए। ये बादल साहब पे आरोप लगाते रहे जब मुख्यमंत्री थे, और बादल साहब को तो किसी ने बाद में निर्दोष पाए गए, और ये खुद ही फंस गए उसमें अपने जो लोगों पे इल्ज़ाम लगाते थे, और अब ये दोषी नहीं है तो इनको डर किस बात का है? ईडी के सामने जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, अगर निर्दोष होंगे तो छूट जाएंगे। लेकिन ग्रेवाल साहब, सवाल इसलिए है चूंकि वो जो आरोप लगातार कैप्टन अमरिंदर लगा रहे हैं वो ये कि चूंकि अमृतसर में चुनाव हार गए थे, अब पंजाब में चुनाव नजदीक है, ऐसे में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है ताकि मेरी और मेरे परिवार की छवि को खराब किया जा सके। नहीं, ऐसा नहीं, छवि खराब करने के लिए नहीं, ये तो उससे पहले ही आरोप तो लगे हुए, एक साल हो गया, तब तो चुनाव नहीं थे, अभी भी चुनाव में समय है। तो उनको कोई भी पॉलिटिकल आदमी जब उस पर इल्ज़ाम लगता है तो वो कहता है बदले की भावना से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार कोई भी काम बदले की भावना से नहीं करती। इन्होंने इतने बड़े बड़े घोटाले किए, हम लोगों ने FIR हमारी सरकार ने नहीं की, इन्होंने खुद ही जो कंप्लेंट्स की हुई थी, जो जांच चल रही थी उसकी FIR इनके खिलाफ हो रही है, उसका सब हो रहा है इनके खिलाफ। हमारी सरकार ने तो आगे कुछ भी नहीं किया, अगर करना होता तो वो भी सब करते। लेकिन जो आरोप कैप्टन अमरिंदर की तरफ से लगाए जा रहे हैं ग्रेवाल साहब, उसमें ये बात कही जा रही है कि मेरे परिवार की छवि खराब करने की कोशिश है। दूसरी तरफ अरुण जेटली जी कुछ दिन पहले जब बठिंडा में थे तो उनका ये कहना था कि ये जो तमाम फाइलें हैं ये खुल UPA सरकार के दौरान ही गई थी, उसी समय सामने आ गई थी, लेकिन चूंकि सरकार उनकी थी तो शायद इस पर कार्रवाई नहीं की गई, हम तो सिर्फ कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा है, अरुण जेटली जी का कंसर्न मिनिस्टर है, उनके पास बराबर जानकारी है, जो उन्होंने कहा उसका विश्वास करना चाहिए, नहीं तो कैप्टन साहब के पास अदालत है, ये उस बात को वेरीफाई भी कर सकते हैं, आजकल तो RTI के थ्रू जानकारी ली जा सकती है। चलिए ठीक है, अगर ऐसी बात जो बात आप कह रहे हैं ग्रेवाल साहब कि RTI के जरिए जानकारी ली जा सकती है, तमाम आरोप लगाने की बुनियाद शायद यहां पर कोई नहीं है। मैं एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकूंगा, ब्रेक के बाद एक बार फिर से लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।